हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन बोरना। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो हम बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो लोग जो अपने गुस्से पे काबू नहीं पाते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। सो दोस्तों, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम हमारे गुस्से पे काबू पा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि गुस्से के वक्त में हम अपने आप को शांत कर पाए? देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि गुस्से के वक्त शांत रहने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। इतनी ताकत शायद चिल्लाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक ये टिप ज़रूर आजमाएं। जब जब आपको गुस्सा आए, जब भी आपको किसी भी चीज़ पे नाराज़गी व्यक्त करनी हो या फिर किसी बात का आपको बुरा लगे, उस वक्त शांत हो जाए। इसके लिए आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आपको ऐसा फील हो कि किसी ने आपका दिल दुखाया है, अगर आपको बेहद क्रोधित महसूस हो रहा है, उस वक्त अपने आप को शांत कर ले, चुप हो जाए। क्योंकि दोस्तों, क्रोध में कभी भी किसी को कोई वचन नहीं देने चाहिए, न ही किसी को कोई वादा करना चाहिए। किसी से कुछ मत कहो, बस शांत हो जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ या फिर अपने आप को शांत कर लो। क्योंकि दोस्तों, क्रोध ही है जो मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और इसी वजह से इंसान जो है अपनी पहचान खो देता है, अपना हर काम बिगड़ जाता है। ईगो, गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंसान को अपनी डाउन स्केल लेवल पर ले जाती है। सो आई होप दोस्तों, मेरी इस टिप को आप ज़रूर आजमाएंगे। जब भी गुस्सा आए, अपने आप को शांत कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि गुस्सा ही है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगर, और इट्स ओनली वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। जी हाँ दोस्तों, डेंजर की स्पेलिंग होती है DANGER। अगर डी हटा दो तो वो है एंगर। इसलिए दोस्तों, डेंजर, एंगर सब एक समान ही है। अगर आप अपने आप को शांत कर ले, अभी से अगर आप इस चीज़ को नियंत्रण में ला ले, तो आगे जा कर के आप बेहद सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुस्से के समय थोड़ा सा शांत हो जाए, रुक जाए, अपनी वाणी को रोक ले और कोशिश करें कि आप किसी को कोई वचन ना दें, आप किसी से कोई बात ना करें, आप किसी से किसी प्रकार का व्यवहार ना करें। यही एक टिप आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी। दोस्तों, अपने सारे इमोशंस कंट्रोल करना आसान है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई दफ़े आपने देखा होगा, गुस्से में शांत रहना बहुत बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाता है। आई होप दोस्तों, मेरी इस टिप को आप अपनी लाइफ में ज़रूर आजमाएंगे। अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।